हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छा कर रहे होंगे, आप अच्छा सीख रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो यहाँ आप जैसा देख रहे हैं कि बैक साइड में आज का टॉपिक लिखा हुआ है कि क्या पढ़ेंगे हम। प्रोविजन रिजर्व का टॉपिक है और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, न केवल 11th 12th के लिए बल्कि हायर क्लासेस के लिए भी, क्योंकि लास्ट तक बच्चों में कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि प्रोविज़न और रिज़र्व होता क्या है, इसका एग्जैक्टली ट्रीटमेंट क्या होता है, और न केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होनी ही चाहिए। तो आज हम टू द एक्सटेंट ऑफ आवर बेस्ट कैपेसिटी, टू द एक्सटेंट ऑफ आवर कैपेसिटी, वी विल ट्राई कि इस कन्फ्यूज़न को हम मैक्सिमाइज से मिनिमाइज कर सकें, लीस्ट रह जाए आपकी प्रॉब्लम। तो हम कोशिश करेंगे इसको बहुत अच्छे से हम समझें। तो प्रोविज़न एंड रिज़र्व, एक एक करके टर्म थोड़ा सा क्लियर करते हैं माइंड में कि होता क्या है। हम प्रोविज़न की बात करें तो प्रोविज़न एक अरेंजमेंट है, राइट, एक व्यवस्था है जो हम अपने बिजनेस में से करते हैं और किसी भी लॉस के लिए या फिर किसी भी एक्सपेंस के लिए या फिर किसी भी लायबिलिटी के लिए जो एक्सपेक्टेड है, जिसे आप जानते हो कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि छोटी मोटी रिपेयर आपके बिजनेस में निकल सकती है, छोटा मोटा तोड़फोड़ हो सकती है, बनवाना पड़ सकता है, तो उसका प्रोविज़न आप पहले से करके रखो। ये ऑब्लिगेशन है, ये ज़रूरी है कि कोई ऐसा खर्चा आपके पास आ सकता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, एग्जाम्पल के तौर पर। दूसरा, कि मान लीजिए आप माल बेचते हैं उधार, तो जिनको आप उधार बेचते हैं वो आपके डेटर्स होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। अच्छे जो होते हैं टाइम पे दे देते हैं, और जो नहीं देते हैं और उनसे पैसा आप रिकवर नहीं कर पाते हो, उसे हम कहते हैं बैड डेट्स। तो उसके लिए ऐसा नुकसान होना फीजिबल है कि आप बिजनेस करोगे तो नुकसान होंगे, तो उसके लिए आप व्यवस्था करके रखो। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका एक्सपेंसेस का, नॉन एक्सपेंसेस का, जिनके लिए व्यवस्था आपको करके रखनी चाहिए। हम बात आगे कर सकते हैं लायबिलिटी के लिए। भाई, लायबिलिटी का क्या मतलब है? कोई भी लायबिलिटी, एनी काइंड ऑफ लायबिलिटी दैट यू नो कि इसका पेमेंट आने वाले टाइम में हमें करना है, तो उसके लिए आप अभी से अरेंजमेंट चालू कर दो। या फिर कोई एसेट आपको खरीदनी है एक 4 साल या 5 साल के टाइम के बाद, उसके लिए आप अभी से पैसा जोड़ना चालू कर दो। कहाँ से जोड़ोगे आप? कहाँ से निकालोगे पैसा? बिजनेस में से ही निकालोगे। बिजनेस जो कर रहे हो उसमें जो प्रॉफिट कमा रहे हो वहाँ से निकालोगे। तो अभी जो मैंने बात की कि प्रोविज़न की, तो प्रोविज़न इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ मनी फॉर फ्यूचर नॉन लाइबिलिटी, एक्सपेंस और लॉस। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, नॉन। कोई भी ऐसा नाम एक्सपेंस का, लॉस का या फिर लाइबिलिटी का, जिसे आप जानते हो कि फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ सकता है, उसके लिए आप व्यवस्था अपने प्रॉफिट्स में से करके रखो। प्रॉफिट्स में से करके रखने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसको दिखाते हैं, राइट? तो हमारे पास पहले से कुछ पैसा रहता है जो उस जरूरत के पड़ने पर नॉन लाइबिलिटी, एक्सपेंस या लॉस के लिए आप उसमें से उसको कवर कर सकते हो। इनके एग्जाम्पल अगर मुझे देने हैं तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मैंने बताया आपको समझा के, और दूसरा मैंने बताया प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन को आप एक प्रोविजन में ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉफिट में से निकाल कर, और उसका अमाउंट जब इकट्ठा होता जाएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई जिस साल आपको एसेट रिप्लेस करनी है तो वो पैसा प्रॉफिट में से निकाल के आपका इकट्ठा हो चुका है। उस टाइम पर उस पैसे को अपने कैश में से आप निकाल कर, क्योंकि प्रॉफिट्स के रूप में आपने इकट्ठा कर लिया, निकाल कर फिर आप एसेट्स को रिप्लेस कर सकते हो।
तो सिंपल सी बात, प्रोविजन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ मनी फ्रॉम प्रॉफिट्स फॉर फ्यूचर नॉन लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व रिजर्व क्या चीज होती है? रिजर्व माने आपका जो है, दिस इज नॉट फॉर नोन, दिस इज फॉर अननोन, दिस इज फॉर कंटिंजेंट। मतलब आप अरेंजमेंट कर रहे हो, पैसे का इकट्ठा करके रख रहे हो, लेकिन नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी अननोन पर्पस के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, फाइनेंशियल फिटनेस के लिए, फॉर द गुड ऑफ योर बिजनेस, फॉर द गुड ऑफ योर सेल्फ, राइट। सेविंग अकाउंट मान लीजिए जनरली लोगों का होता है बैंक में, तो वो क्या रिजर्व ही तो है, राइट। आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, उसकी प्रीमियम दे रहे हो, तो वो एक प्रोविजन है, क्लियर। सिंपली अगर हम बात को समझने की कोशिश करें, आपने फिक्स डिपॉजिट करा दिया, तो वो आपका रिजर्व है, फ्री है, वो किसी पर्पस के लिए थोड़ी कराया है। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें पर्पस फिक्स कर दिया कि मैंने ये पैसा इसलिए जोड़ रहा हूँ कि इतने टाइम बाद ये इकट्ठा होगा, मेरे इस काम में आएगा, तो वो स्पेसिफिक हो गया। रिजर्व दो टाइप के होते हैं, एक जनरल रिजर्व और एक स्पेसिफिक। रिजर्व को हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं, एक फ्री रिजर्व, मतलब एक तो जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व भी कहते हैं उसको हम, और दूसरा होता है स्पेसिफिक रिजर्व। जैसे फैमिली में क्या करते हैं कि अभी मैंने फैमिली बिजनेस थोड़ा मिक्स करके बोल रहा हूँ, थोड़ा सा उसको लेमैन सिंपल बुक करने के लिए, कि अगर शादी के लिए घर में किसी फंड हमने इकट्ठा किया, मकान बनवाने के लिए फंड इकट्ठा किया, तो वो स्पेसिफिक हो गया। जब हम फंड इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन उसको कोई नाम नहीं दे रहे हैं, तो वो फ्री हो गया, जनरल हो गया। ऐसे ही बिजनेस में अगर मशीन खरीदने के लिए आप फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक हो गया। अगर उसमें मेंशन नहीं है कि आप इस पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो वो फ्री हो गया। तो हमने क्या समझा कि साहब प्रोविजन का नेचर क्या है। अब ये एक एक करके डिफरेंस इन बेसिस पे हम कर लेते हैं। डिफरेंस सीखने के दो फायदे हैं, एक तो आपका जो है एक इटसेल्फ एक क्वेश्चन होता है, वो तीन क्वेश्चन होते हैं डिफरेंस अगर हम सीखते हैं तो। एक तो सामने ये पूरा स्केच हो गया, ये डायग्राम के पूरा कर लोगे तो एक क्वेश्चन ही हो गया। अगर केवल प्रोविजन आपसे पूछ लिया जाए, तो इधर के पॉइंट सारे एक्सप्लेन कर दो, तो प्रोविजन की सारी बात हो गई। अगर रिजर्व पूछ लिया जाए, तो इधर के सारे पॉइंट्स कर दो। तो डिफरेंस याद करना इजी रहता है, समझना इजी रहता है, और ये हमारे तीन क्वेश्चन प्रिपेयर करता है, राइट। तो अगर हम बात करें कि साहब नेचर क्या है प्रोविजन का, प्रोविजन क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं, तो इसे हम चार्ज मानते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट। ये हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। व्हाट इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या होता है ये? चार्ज होता है, राइट क्योंकि इसे हम आउट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व चार्ज नहीं होता, ऑब्लिगेशन नहीं है, किसी नॉन पर्पस के लिए नहीं है। नोन या अननोन दोनों पर्पस के लिए हो सकता है, लेकिन अभी किसी लायबिलिटी एक्सपेंस लॉस के लिए नहीं है, राइट। वो रिजर्व है, तो अब वो बनता उस प्रॉफिट में से है जो आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट जिसे किया जा सकता है, ओनर्स का प्रॉफिट है, जो लास्ट में सारे ऑब्लिगेशंस घटाने के बाद बचता है। तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में नहीं दिखाते हैं, उसे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक अलग से अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिससे हम रिजर्व क्रिएट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। इसका नेचर है काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज का मतलब होता है कि ऑब्लिगेशन है वहां से निकालना है पैसा, और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट, इट इज अ काइंड ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब अगर हम बोलें कि साहब पर्पस, तो इसको बनाने का पर्पस क्या है? पर्पस इसको बनाने का है फॉर नोन, ये एक अरेंजमेंट है जो किया जाता है फॉर नोन एक्सपेंस लायबिलिटी और लॉस ऑफ फ्यूचर। आज का नहीं कि आज मेरे को रिपेयर में खर्चा करना है तो मैं उसका आज प्रोविजन बना लूं, आज का नहीं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस आने वाले 5 साल तक होगी, तो
तो उसके लिए मैं अरेंजमेंट पहले से करके रख रहा हूँ, हर साल कुछ पैसा जोड़ रहा हूँ। मान लीजिए कार है मेरे पास, ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि जब मान लो कभी उसमें कुछ कराना पड़े काम थोड़ा बहुत, तो उसका लोड मेरी पॉकेट पे एकदम ना पड़े। तो मैंने कार की रिपेयर के लिए या रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसे हर साल एक अपनी नियम बना रखा है, प्रैक्टिस बना रखी है। मैं कुछ पैसे हर साल ट्रांसफ़र कर देता हूँ अपने P&L अकाउंट से, राइट। तो वो मेरा चार्ज है, क्लियर। और जो रिपेयर मैं करूँगा उसमें से निकाल कर पैसा वो फ्यूचर में करूँगा, आज की तारीख में नहीं, फ्यूचर में मेरे को मदद मिलेगी। तो फॉर नोन एक्सपेंसेस लाइबिलिटी एंड लॉस ऑफ फ्यूचर, हमें मालूम है ये फ्यूचर में ये खर्चा लाइबिलिटी या लॉस हो सकता है, राइट। और ये होता है फॉर कंटिंजेंसी, फॉर कंटिंजेंसी या फिर कोई स्पेसिफिक रीजन भी हो सकता है। रिजर्व हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। जनरल रिजर्व का मतलब फ्री है, वो किसी भी काम में लो। स्पेसिफिक का मतलब होता है जिस काम के लिए बनाया है, फ्यूचर के सिचुएशन के लिए उसी काम में लो, राइट। लेकिन वो ऑब्लिगेशन नहीं है, आई रिपीट, कंटिंजेंसी के लिए स्पेसिफिक। कंटिंजेंसी क्या होती है? कंटिंजेंसी का मतलब जरूरी नहीं है कि वो काम होगा, लेकिन अगर हो गया तो हमारे ये पैसा काम में आएगा। लेकिन प्रोविजन नोन, ये काम हो गई होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैड डेट्स के को राइट ऑफ करने की जरूरत पड़ती है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी क्रिएट, क्लियर। तो ये तो नोन है, लेकिन इसमें क्या है, कंटिंजेंसी को भी हम कवर करते हैं। कंटिंजेंसी का सिंपल सा मतलब ये है कि साहब ऐसी कोई भी अनएक्सपेक्टेड लॉस, चोरी हो गई, आपका एकदम एक शॉक लगा कि आप इसको नुकसान को कैसे झेले, आग लग गई, मतलब ऐसे शब्द बोलने में अच्छे नहीं लगते हैं, राइट। तो विच यू डोंट एक्सपेक्ट बट इट समहाउ हैपेंड इन द बिजनेस, देन दिस इज द सिचुएशन दैट यू हैव टू ओवरकम। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम दोज फंड्स विच यू हैव कैप्ट फ्री, उन फंड्स पे से कवर करेंगे जो आपने फ्री रखे हैं, जिनके अगेंस्ट कोई ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी नहीं है, क्लियर। तो एनी काइंड ऑफ कंटिंजेंसी, कोई भी वर्कर्स को कोई कंपनसेशन देना पड़ता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसका कंपनसेशन देना पड़ता है, नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है उस टाइम पर, आपको अपने आप को जस्ट री प्रोडक्टिव करना है, राइट। तो उन सब चीज़ों में अब इसकी नेसेसिटी है और इसकी नेसेसिटी नहीं है, ये वॉलेंट्री है। प्रोविजंस तो ऑब्लिगेशंस हैं, इनको क्रिएट करना जरूरी है, अदरवाइज आपके प्रॉफिट पे एकदम लोड पड़ेगा जब वो खर्चा करोगे, राइट। इसकी नेसेसिटी तो नहीं है, ऑब्लिगेशन तो नहीं है। आपके पास पैसा बचता है रिजर्व में ट्रांसफ़र करो, नहीं बचता है तो मत क्रिएट करो। ये क्योंकि चार्ज है तो प्रॉफिट आपके बिजनेस में हो या ना हो आप बनाओगे, ये अप्रोप्रिएशन है। आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, क्लियर। तो इसकी नेसेसिटी वॉलंटरी है और सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स इन द बिजनेस है, राइट। अब बात आ रही है इसको हम क्रिएट कहां से करते हैं, इसको हम क्रिएट कहां से करते हैं। हम इसको क्रिएट करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट। और इसको हम करते हैं थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी मान लो कोई 11th क्लास के स्टूडेंट इस बात को सुन रहे होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी उनको एक नया नाम लग रहा होगा। एक्चुअली अकाउंटिंग के एंड प्रोडक्ट होते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने के लिए। जैसे ट्रायल बैलेंस बनाया, सबसे पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनता है। तो ये जिस टाइम पे आप ये देख रहे हो, आपने बनाया सीखा हुआ है नहीं सीखा हुआ है वो डिपेंड करेगा, लेकिन ये हमारा अकाउंटिंग का एंड प्रोडक्ट होता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का पता करने के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है डेबिट में, और जो ये रिजर्व है आपका जो है, ये हम बनाते हैं थ्रू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
अप्रोप्रिएशन उसके भी बाद की बात है, ये हम लोग 12th में सीखते हैं या हायर क्लासेस में। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बचा हुआ प्रॉफिट है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, तो उससे हम बनाते हैं। तो इसको हम क्रिएट करते हैं थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर सरप्लस भी बोलते हैं हम इनको हायर क्लासेस में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का दूसरा नाम सरप्लस है, राइट? इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस, इसको तो नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस का मतलब हो गया, इसका तो पर्पस क्लियर है, फॉर नोन एक्सपेंस नोन लाइबिलिटी नोन लॉस, तो इसको उसी में खर्च करोगे आप। लेकिन फ्री रिजर्व आर फ्री, जनरल रिजर्व आर फ्री, दैट यू कैन स्पेंड टू गेट मोर रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट, दैट यू कैन इन्वेस्ट टू गेट मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड बेनिफिट। मान लो मार्केट में शेयर मार्केट डाउन चल रहा है, तो इसमें से निकाल के पैसा इन्वेस्ट कर लो, और जैसे ही वो बूम आए और वहाँ से पैसा रिडीम करके सेल आउट करके प्रॉफिट बुक कर लो। तो दिस यू कैन डू फ्रॉम रिजर्व्स, नॉट फ्रॉम प्रोविजंस। अब ये बात आ रही है कि साहब हम इसे बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं। भाई दोनों क्रेडिट बैलेंस होते हैं, प्रोविजन भी और रिजर्व भी, तो दोनों को आप लायबिलिटी में दिखा सकते हैं। इसका तो फिक्स है, रिजर्व का, इसको आप लायबिलिटी में ही दिखाएंगे, राइट? इसका ये है कि इसको या तो आप लायबिलिटी साइड में दिखाओ या फिर एसेट साइड में, जिस पर्पस के लिए वो बना है उसमें से लेस करके दिखाओ। जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आपने बनाया है, तो डेटर्स पे बनाया है, तो डेटर्स में से माइनस करके उसको दिखा सकते हो। आई रिपीट कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो उसको आप या तो लाइबिलिटी साइड में दिखा सकते हो या फिर एसेट साइड में, जिस पर्पस के लिए बनाया है अगर वो आइटम अवेलेबल है तो उसमें से लेस करके दिखा सकते हो। क्लियर? एसेट साइड में माइनस, इस बात को ढंग से समझ लेना, गलती नहीं कर देना कि ऑब्लिक लगा दिया तो एसेट में लिख दो चाहे लाइबिलिटी में लिख दो, ऐसा नहीं होगा। एसेट में लिखोगे तो माइनस करना पड़ेगा, लाइबिलिटी में लिखोगे तो एज इट इज शो हो जाएगा। दोनों बातों में अंतर है। एसेट में कोई चीज माइनस कर रहे हो उसका मतलब ही आपने लाइबिलिटी साइड में लिखा है उसको। क्लियर? अब ये लिख दिया यूज फॉर डिविडेंड, ये भी नया वर्ड आ गया बच्चों के लिए, डिविडेंड क्या चीज होती है। एक्चुअली ये जो टर्म है ना प्रोविजन रिजर्व, ये जो बड़ी फर्म्स होती हैं वो ज्यादा यूज करती हैं, कंपनी वगैरह, स्पेशली कंपनी, तो कंपनी यूज इट, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो नहीं करते हैं। तो कंपनी में पैसा वो बिजनेस करने के लिए कहाँ से लेते हैं? शेयर होल्डर्स से लेते हैं। शेयर होल्डर बिजनेस के ओनर होते हैं, और जो भी प्रॉफिट आपने बिजनेस में कमाया, जो भी प्रॉफिट आपने बिजनेस में कमाया वो आपका खुद का नहीं होता, इन्वेस्टर का होता है, ओनर का होता है। ओनर कौन है? शेयर होल्डर। तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या जो मैनेजमेंट है, उनकी ये ऑब्लिगेशन है कि जो प्रॉफिट आपने कमाया उसमें से कुछ पार्ट इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो प्रोविजन को हम डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं कर सकते साहब, ये तो नॉन एक्सपेंस लायबिलिटी और लॉस के लिए है, लेकिन इसको हम कर सकते हैं, राइट? जो मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर्स हैं, उनको अगर डिविडेंड इन्वेस्टर्स को देना है प्रॉफिट का पार्ट, डिविडेंड माने द पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट शेयर होल्डर्स, अगर डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देना है तो उसको हम रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ एप्रोप्रिएशन जो हमारे पास है, जनरल रिजर्व के फॉर्म में, फ्री रिजर्व के फॉर्म में, कैपिटल रिजर्व के फॉर्म में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के रूप में, राइट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के रूप में, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के रूप में, कैपिटल रिजर्व के रूप में, ये आगे नाम ऐसे बोलता जाऊँगा तो आपको नए नए लगेंगे। बस केवल इतना काफ़ी है कि रिजर्व से डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड पॉसिबल है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस आउट ऑफ प्रोविजंस। आई होप I made the clarity as much as possible towards the topic that what is the difference, and not only the difference and separately what it is along with the example. And if we do it likewise,
वी विल हैव आर थ्री टॉपिक्स प्रिपेयर्ड. आइदर इट इज कंसर्न टू आंसर द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व और इट इज टू बी सब्जेक्टेड टू राइट डाउन एंड आंसर अबाउट प्रोविजन्स और फॉर रिजर्व इट्सेल्फ. राइट, सो प्रिपेयर द नोट्स, कीप रिविजनिंग, गिव कमेंट कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, कहाँ डाउट है, एनीथिंग व्हाट यू थिंक इज क्वेश्चनेबल और आंसरेबल. राइट, आई वुड लाइक टू आंसर दैट. थैंक यू सो मच. गेट बैक टू यू अगेन.